Happy birthday to you. Happy birthday. तो आज मैं सुबह ही बोला था कि मौसम को देख के सावन के महीने का फील आ रहा है। अपलोड करने के लिए ऐसे ही छाता लेके आना पड़ता है यहाँ पे, और ऐसा है आज का मौसम, कोहरा लगा हुआ है बहुत ज़्यादा और साथ में हो रही है हल्की हल्की बारिश। बहुत दिन से मैं घर ही में हूँ, तो आपके लिए घर के ब्लॉग आ रहे हैं, मंडाई के ब्लॉग आ रहे हैं, डांडा के ब्लॉग आ रहे हैं, अपना ब्लॉग अपलोड करने के लिए जैसा कि मैं हमेशा जाता हूँ वहाँ। तो जब सुबह के टाइम पे जाऊँ ना तो जल्दी से ब्लॉग अपलोड हो जाता है, और बाद में के लिए धूप लग जाएगी तो हम खेत में जाएंगे काम करने। आजकल की दिनचर्या बस ऐसे ही हो रखी है, सुबह तो मैं आ जाता हूँ धार के ऊपर और उसके बाद जाते हैं हम खेत में काम करने के लिए। बारिश की वजह से भी लोगों की फसल बर्बाद हो रही है, क्योंकि कई लोगों ने धान को काट रखा है और कई का भी काटना बाकी है। तो जो कटा हुआ धान है तो अगर उसे ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। ऐसे में जय हो बाबा केदार नरसिंह। क्या करें अब, इस बार मैंने बोला था ना कि मैं 30 ब्लॉग लाऊंगा, 1 सितंबर को मैंने बोला था, तो आज मेरा 17-18वां ब्लॉग आ गया है, यानी मतलब मैं ला दूंगा 30 ब्लॉग इस महीने के, क्योंकि बहुत दिनों से मैं घर ही में हूँ। पता नहीं अब मार्केट कब जाना होता है, तो जब घर में रहता हूँ तो ब्लॉग बन ही जाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो नए ब्लॉग में। होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी मैं धार के ऊपर से आ गया हूँ ब्लॉग अपलोड कर, सुबह के करीब 9 बज गए हैं और अब चलते हैं नाश्ता करने, क्योंकि वहाँ मुझे काफ़ी टाइम लग गया आज ब्लॉग अपलोड करने में, क्योंकि सुबह से हो रही है बारिश और बारिश की वजह से स्लो चल रहा था नेट, इसीलिए मैं देर से आया। सुबह 7 बजे मैं निकल गया था यहाँ से, तो चलो एक बारी में नाश्ता कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और आज देखो मौसम ऐसा ही रहने वाला है लगता है, क्योंकि कभी तेज़ बारिश हो रही है, कभी आराम से बारिश हो रही है। तो अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और सुबह से ऐसे ही मौसम और बारिश हो रही है। तो 9 बजे के समथिंग मैं घर वापस आ गया था धार के ऊपर से, अभी मैंने नाश्ता भी कर लिया है। तो मैंने सोचा जब धूप लगेगी तो खेत जाएंगे, अभी 2-3 खेत धान के बचे हुए हैं काटने के लिए और 1-2 मंडाई करने के लिए। और कब से ऐसा ही मौसम हो रहा है, हमेशा सुबह सुबह बारिश हो रही है। चलो कल तक तो ऐसा था कि दिन में धूप लग रही थी, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौसम पूरा घिर रखा है, सुबह से कोहरा ही कोहरा हो रखा है और साथ में बारिश भी लग रही है। तो आज तो मुझे नहीं लगता कि धूप लगेगी, आज का दिन ऐसे ही हम घर पे रहने वाले हैं, क्योंकि 11 बज गए हैं अब तो और मौसम ख़राब हो गया है। सुबह से थोड़ा हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कोहरा भी कम लगा हुआ था, अभी तो कोहरा भी बढ़ गया है और साथ में। तो अभी दिन के करीब 3 बज गए हैं और बारिश देखो सुबह से लगभग ऐसे ही लगी है। तो आप देख ही सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है, इस बारिश में तो हम कुछ काम कर नहीं सकते, इसलिए मैं अंदर सो रहा था। और दिन का खाना मेरा 2 बजे हो गया था, दिन के खाने में आज मैंने कड़ी भात खाया। अभी सिर्फ 3 ही बजे हैं और बारिश तो रुकने का नाम ले नहीं रही। तो ऐसे वाले मौसम में ना भूख ज़्यादा लगती है, अभी मुझे फिर से भूख लग गई है और मैं जा रहा हूँ रसोड़े में देखने के लिए। वैसे माँ बोल रही है कि खाना तो बचा नहीं है, कड़ी भी नहीं बच रखी और भात भी नहीं, तो अभी मैं चाय बनाऊंगा और चाय के साथ बिस्किट खाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और इसका ऐसे मौसम हो और ऐसे ही चाय मिल जाए तो बात ही बन जाए। अभी शाम के करीब 6 बज चुके हैं और मेरी तैयारी है, हमारी जो भैंस है वो चली गई है लोगों के धान के खेत में। और यहाँ से माँ रेणुका का मंदिर भी दिख रहा है, कोहरे की वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं इस वाली लोकेशन पे जहाँ खेत था, और यहीं पे हमारा पितृदेवता का मंदिर भी है। और यहाँ आते ही हमें पता चला कि जो खेत में जा रखे थे वो हमारी भैंस नहीं थी, यहाँ पे बहुत सारे गाय बैल है लोगों के, हमारे ही गाँव वालों के, और ये जा रखे थे शायद वहाँ पर, और हमें लगा कि हमारी भैंस है, क्योंकि कोहरा भी लगा हुआ था ना तो ढंग से दिखा नहीं। तो अभी मेरी तैयारी है बर्थडे में जाने की, और आज जन्मदिन है शिवपाल का, तो मैं बहुत समय के बाद केक खाऊंगा, बहुत टाइम के बाद आज केक खाने का मौका मिल रहा है। लास्ट टाइम केक मैंने इसिका के बर्थडे में खाया था। तो पहले हम ऊपर मना रहे थे बर्थडे, जहाँ पे मेरा बर्थडे मनाया था, तो वहाँ पर नहीं मना रहे इस बार यहाँ सेलिब्रेशन करेंगे बर्थडे का, क्योंकि यहाँ पर अभिनव भी आएगा ना, अभी अभिनव को हम ऊपर नहीं ले जाते हैं। हमने फुला दिए हैं और ये रहा शिवपाल बर्थडे बॉय, और अभी हमारे जीजाजी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हेलो बोलो। हेलो। तो ये हमारे
अभी बलून वगैरह तो सब कुछ फुला दिए हैं, और अभी साहिल फुला रहा है बड़ा वाला बलून, उसके अंदर टॉफ़ी डाली है। और यहाँ पे शिपाल अपने बर्थडे की तैयारी खुद ही कर रहा है, और इस समय ना बहुत दिनों के बाद केक खाने को मिल रहा है। तो बड़ी वाली इसी का भी घर आ रखी थी, लेकिन शिपाल ने उसे इन्वाइट नहीं कराया ना, क्योंकि बारिश हो रही है तो उतना दूर नहीं जा सकते और टावर तो आ नहीं रहा। तो ऐसे ही हमारे पहाड़ों में बर्थडे की तैयारी होती है, थोड़े बहुत बलून फुलाए जाते हैं, केक लाया जाता है, और जो ज़रूरी है पूरी और पकौड़ी ज़रूर बनाई जाती है, तो शिपाल के बर्थडे में भी है। तो अब सीधा मिलते हैं आपको सेलिब्रेशन के टाइम पे। तो अभी टाइम आ गया सेलिब्रेशन का, और बहुत सारे लोग आ गए हैं। अभी तक तो कोई भी नहीं था यहाँ पे, और अभी बहुत सारे बच्चे और बड़े लोग भी आ गए। Happy birthday to you. Happy birthday to you.